अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। रात को सोए और एकाएक ही पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने शुरू हो गया। सुबह उठकर देखा तो पाया कि पैरों की नसें एकदम से फूल गई हैं। इनका क्या कारण हो सकता है और इनका क्या निवारण हो सकता है? तमाम लोग इससे परेशान हैं, परेशान विशेष रूप से गृहिणी भी हैं जो घर में पूरे दिन खड़े होकर के खाना बनाती हैं या दूसरे कार्य में व्यस्त होती हैं। इसके कारण और इसके निवारण पर हम दोनों पर आज इन दोनों ही विषयों पर आज हम लोग प्रकाश डालें। आज हम लोग बात करते हैं तने गर्ग से। डॉक्टर तने गर्ग स्पेशलिस्ट हैं वेरिकोज वेन्स के। इसका क्या कारण है और क्या इसके निवारण है, सीधे बात करते हैं डॉक्टर तने गर्ग। तने गर्ग जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रवि जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर तने गर्ग, मैं एक कार्डियोथोरेसिक और एंडोवैस्कुलर सर्जन हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है MBBS की, फिर मैंने एडिनबर्ग से MRCS किया है और फिर मैंने 6 साल कार्डियक सर्जरी का कोर्स किया है जिसमें मैंने हार्ट सर्जरी, लंग सर्जरी इसके बारे में ट्रेनिंग ली है और फिर मैंने 1 साल का स्पेशली वेरिकोज वेन के लिए फेलोशिप कोर्स सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में, जो कि एक बहुत जाना माना अस्पताल है और वैस्कुलर सर्जरी में सबसे टॉप का है, उसमें मैंने अपना वैस्कुलर सर्जरी का कोर्स किया है। तो आजकल मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, आपसे वार्तालाप करना चाहूँगा इस वेरिकोज वेन की समस्या के बारे में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन ये एक बहुत इरिटेटिंग बीमारी है, बहुत चिंताजनक बीमारी है जो हमें आगे जाके बहुत परेशान कर सकती है। तो जैसा रवि जी ने बिल्कुल सही कहा, इसके लक्षण शुरू होते हैं पैरों में दर्द होने से, फिर हमें दिखाई देता है कि हमारे पैरों में एक फूली हुई नसें हैं नीले रंग की, जिसकी वजह से पैर में रोज़ दर्द होता रहता है और ये दर्द कभी नहीं जाता। हम चाहे कोई पेन किलर ले लें या किसी और प्रकार की दवाई ले लें, कोई मल्हम लगा लें, लेकिन फिर भी ये दर्द सही नहीं होता। तो क्या है ये वेरिकोज वेन? तो इसके बारे में मैं शुरू करना चाहूँगा आपको थोड़ी सी जानकारी देके। हमारे पैरों में दो तरह की नस होती हैं, एक जो साफ खून ले जाती हैं जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं और एक जो गंदा खून ले जाती हैं, गंदे खून की नसें, जिन्हें हम वेन्स कहते हैं। तो क्या होता है, जब जो गंदे खून ले जाने वाली नस हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो शरीर में अंदर की तरफ होती हैं और दूसरी बाहर की तरफ। इन नसों में वैल्व होते हैं। अब वैल्व का काम क्या है कि खून को एक ही दिशा में ले जाना, हृदय की ओर ले जाना। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा लंबे खड़े रहने की वजह से, जैसा कुछ प्रोफेशंस में देखा जाता है, जैसे डॉक्टर सर्जन लोग हो गए, पुलिस कर्मी हो गए, गार्ड लोग हो गए, या न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, या हमारे घरों की गृहिणियाँ हो गई जिनको रोज़ लंबे समय तक खड़े रह के खाना पकाना पड़ता है और घर के और कई काम करने पड़ते हैं जी। तो इन सब से निवारण पाने के लिए, तो क्या होता है कि जब बहुत लंबे समय तक हम खड़े रहते हैं तो इन वेल्व्स पे खून का बहुत ज़्यादा वजन रहता है, जिसकी वजह से ये जो वेल्व हैं ये कमज़ोर पड़ने लगते हैं और सारा ब्लड, सारा खून नीचे की तरफ इकट्ठा होने लगता है। क्योंकि हार्ट, हृदय की ओर जाने वाला खून जो वेल्व्स के जरिए हृदय की ओर जा रहा था वो जा नहीं पाता, तो नीचे इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से ये नसें फूलने लगती हैं। फिर धीरे धीरे करके ये जो पैरों में नीचे की तरफ खून इकट्ठा हो रहा है, ये स्किन से रिएक्ट करता है, हमारी त्वचा से रिएक्ट करता है और हमारी त्वचा काला पड़ने लगती है। फिर धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे रक्त रुका हुआ है, तो रुके हुए रक्त में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे हमारे पैरों में जख्म या अल्सर बनने लगते हैं। अब इन अल्सर या जख्म की खास बात ये है कि ये जल्दी भरते नहीं हैं और इनमें दर्द बहुत होता है, चीज़ बहुत मचती है, जलन बहुत मचती है। हम सब लोग इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन एंड में होता क्या है कि ना तो आसपास का कोई विशेषज्ञ इस चीज़ का पता लगा पाता है और ना ही हम इसका कोई सही उपचार ढूंढ पाते हैं।
तो इसी विषय में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के सेवा के लिए, आप लोगों की इस परेशानी का से निवारण करने के लिए मैं मौजूद हूँ KMC हॉस्पिटल में 24 घंटे। आप कभी भी आ सकते हैं और इस परेशानी के बारे में मुझे दिखा सकते हैं, मेरे से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसका निवारण आप किस तरह से करते हैं? इसका निवारण हम आजकल के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो हम एक लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं, एक अत्याधुनिक तकनीक से जिसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ये एक ऐसी तकनीक है, ना इसमें कोई चीरा लगता है, ना इसमें पैर काला पड़ता है, ना इसमें पैर पे कोई पट्टी पड़ती है और मरीज को हम अगले दिन ही डिस्चार्ज कर देते हैं। इसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। इसमें एक फाइबर आता है जो सुई के छेद से हम नस के अंदर डालते हैं और नस को अंदर से पूरी तरह बंद कर देते हैं ताकि जो पैरों में नीचे की तरफ रक्त इकट्ठा हो रहा है वो बंद हो जाता है और मरीज का पैर धीरे धीरे कालेपन से ठीक हो जाता है और उसमें आगे कोई अल्सर बनने का या बाद में कोई नसें फूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या एक प्रकार मैं कहूँ तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है और इसके साथ ही उसका पैर बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर करीब कितना खर्चा आ जाता होगा पेशेंट का? यहाँ KMC अस्पताल में क्योंकि ये तकनीक बिल्कुल नहीं शुरू हुई है और हमें लोगों को इस बारे में जागरूक करना है तो हम ये तकनीक को सबसे कम दाम में करने की कोशिश करते हैं और करीब जो भी खर्चा आता है हम पेशेंट का वो कम से कम करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, इससे वेरिकोज वेन्स का जो इलाज है, पहले भी मेरे ख्याल से उसमें सर्जरी वगैरह होता रहा है, तो अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है जो KMC में उपलब्ध है वो किस तरह से भिन्न है और पेशेंट्स को किस तरह से अधिक फायदा पहुंचाएगी? जो पहले तरह की ऑपरेशन होते थे, सर्जरी होती थी, उनमें चीरा लगाया जाता था तो लंबे लंबे पैरों पे चीरे लगते थे। फिर धीरे धीरे तकनीक आई कि जो नसें हैं उन्हें बीच में से बांध दिया जाए तो छोटे छोटे चीरे जगह जगह पे पैर में लगा के उन्हें बांध दिया जाता था। लेकिन ये तकनीक पूरी तरह से कारगर नहीं है। पेशेंट को एक साल बाद या 5 साल बाद फिर से वही फूली हुई नसें पैरों में दोबारा दिखने लगती थी क्योंकि इसमें हम पूरी तरह से इस बीमारी की जड़ का इलाज नहीं करते हैं। जो ये तकनीक है इसमें हम पूरी तरह से जो पैर हमारे पैर में करीब दो नसें मतलब हमारे पैर में दो नसें प्रमुख रूप से इस बीमारी की जड़ हैं और उन दोनों नसों को हमें बंद करना होता है तो इस तकनीक से हम दोनों नसों को बंद कर सकते हैं। तो अगर मरीज को दोनों पैरों में दिक्कत है तो चारों नसों को पूरी तरह से बंद करके इस बीमारी का हम पूरी तरह से उपचार करते हैं और ये पूरी तरह से कारगर है। मरीज को 2 साल 5 साल या 10 साल कभी भी इन नसों में फिर से कभी भी नसों में फूली नहीं दिखाई देती हैं और कभी भी इनमें और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर तनेगर, जिन्होंने आपको वेरिकोज वेन्स के बारे में और डिटेल में बताया और उसका समाधान भी बताया। और सर, फिर मुलाकात होती है आपसे। ओके सर।